दिस मूवी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैंने अपना ये चैनल शुरू किया, एंड ये जो मूवी जो है इसने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जो मेरा सिनेमा के लिए जो पैशन है उसके लिए। एंड ये जो मूवी है प्रेडेटर, 1987 में ये पहले रिलीज हुई थी, इसका जो पहला पार्ट था वो। एंड ये मूवी आज भी 2020 में भी इसका जो एक्शन है, इसका जो हॉरर है मूवी का, जो सस्पेंस है मूवी का, वो आज भी उतना ही वर्क होता है 33 इयर्स बाद भी, जितना मैंने इस मूवी को जो पहले देखा था उतना जो मुझे लगा था, जो फील हुआ था, वो आज भी वैसे ही वर्क होता है इस मूवी का। कुछ भी चेंज नहीं हुआ इस मूवी के बारे में, क्योंकि इस मूवी में मैक्सिमम 99% सारे के सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए थे। एंड जो सीजीआई से मुझे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स काफी बेटर लगते हैं, क्योंकि मैं आजकल की कुछ बिग बजट सीजीआई मूवी जो देखता हूं जिसमें सीजीआई इफेक्ट्स होते हैं, वो मुझे बहुत सारे मूवीज के जो इफेक्ट है वो फेक लगते हैं इस मूवी के सामने। एंड आज भी 2020 में भी इस मूवी का एक घटिया रीमेक बनाया था राम गोपाल वर्मा ने अज्ञात नाम से, जो इतना खराब है कि मैं सच में उसके ऊपर एक रोस्टेड रिव्यू जरूर बनाऊंगा आगे। एनीवेज, ये जो प्रेडेटर जो मूवी है उसकी स्टोरी ऐसे है कि एक ग्रुप ऑफ कमांडोस की टीम है जिनके लीडर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एंड इनको एक मिशन दिया जाता है कि इन्हें एक जंगल में जाना है एंड कुछ लोगों को रेस्क्यू करना है। बट जैसे ही वो जंगल में जाते हैं तब उनके साथ मिस्टीरियस चीजें होना शुरू होती है, एंड उन्हें पता चलता है कि जंगल में कोई तो उन्हें वन बाय वन हंट कर रहा है, जो कि एक हंटर एलियन है जो इन्हें जस्ट एक स्पोर्ट्स के लिए, एक जस्ट फन के लिए वन बाय वन इनका शिकार कर रहा है। इस मूवी का जो मैंने डायरेक्शन देखा है वो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन मैंने किसी एक्शन मूवी के लिए देखा होगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन मैक्टेरियन ने, जिन्होंने डाई हार्ड जैसी कमाल की एक्शन मूवी को भी डायरेक्ट वो कर चुके हैं। ये जो डायरेक्टर है इन्हें अच्छे से मालूम है कि एक्शन मूवीज को कैसे बनाया जाता है, इन्हें मालूम है कि एक्शन मूवी के जो कैरेक्टर है उनको कैसे स्लोली बिल्ड करते हैं, कैसे मूवी में जो टेंशन का जो माहौल है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आपको मूवी में जो ये जो एलियन जो प्रेडेटर जो है उसको कंप्लीटली रिवील नहीं करती मूवी शुरू में। मूवी स्लोली स्लोली मूवी का जो सस्पेंस एंड हॉरर है इस एलियन को लेके उसको बिल्ड करती है, आपको दिखाती है कैसे ये जो एलियन है एक-एक पर्सन यानी एक-एक कमांडो को हंट कर रहा है स्लोली, एंड कैसे ये जो कमांडोज है जो काफी बैड ऐसे जिनके पास गन्स है, मशीन गन्स है, वो भी इस एलियन की जो हरकत है उससे डर रहे हैं, क्योंकि इनको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि ये कौन है और क्यों इन्हें मार रहा है, वो भी वन बाय वन। फिर मूवी कंप्लीटली आपको एक जंगल में दिखाई देगी, एंड मूवी का डायरेक्टर ने इस तरीके से टोन सेट किया है कि आपको लगे कि आप खुद भी उस जंगल में इन कैरेक्टर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि जंगल का जो सराउंड का जो साउंड है, जो एनिमल्स का जो साउंड है अलग अलग, वो आपको आता रहता है पूरे मूवी में। जब अपने कैरेक्टर जब वॉक कर रहे हैं स्लोली, जब लीव्स हिल रहे हैं, हर एक चीज का आपको साउंड आता रहता है, तो इससे ऐसा आपको फील आता है कि आप खुद ही उस जंगल में चल रहे हो इन कैरेक्टर के साथ। एंड इसके लिए मूवी का सस्पेंस एंड हॉरर बिल्ड करने का 30% काम मूवी का जो साउंड ट्रैक है उससे ही हो जाता है। एंड ये जो साउंड ट्रैक आप सुनोगे इस मूवी में, ये ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक मैंने किसी एक्शन मूवी में सुना होगा आज तक, जो मूवी की टोन जो है उसे परफेक्टली सेट करता है। फिर मूवी का जो ओपनिंग सीन है वो भी मुझे काफी कमाल का लगता है, जहाँ पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर डिलियन के कैरेक्टर से मिलते हैं वो। एंड इस मूवी का जो कास्ट जो है वो जस्ट परफेक्ट है, हर एक कैरेक्टर उसके रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एंड ये जो डच का कैरेक्टर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का इस मूवी में, वो जस्ट उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका, एंड ही इज ट्रूली द हार्ट एंड सोल ऑफ द मूवी। एंड उनकी बहुत सारी लाइंस इस मूवी की आज भी याद की जाती है, उसमें मेरी जो सबसे फेवरेट है वो ये है, एंड गाइज और एक चीज मुझे इस मूवी की बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि इस मूवी के जो डायलॉग्स है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब मूवी के जो 20 मिनट्स है आखिरी के उसमें जस्ट एक दो ही डायलॉग्स है, ज्यादा डायलॉग्स है ही नहीं। मूवी हेवीली रिलाय करती है विजुअल स्टोरी टेलिंग पे, एंड वो काफी अच्छे से वर्क भी होता है इस मूवी के लिए। एंड गाइज अगर आपको जानना है कि एक साइफाई कमाल की एक्शन मूवी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो IMDb पे जाके इस मूवी का ट्रिविया जरूर पढ़ना, आपको पता चले कि हर एक चीज में इसमें इस मूवी में कितने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, मतलब इसके स्पेशल इफेक्ट्स टीम ने, इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने, इसके एक्टर्स ने, इसके डायरेक्टर ने, हर एक चीज इस मूवी की जस्ट मुझे परफेक्ट लगती है। एंड अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो इसे आप ईफी टोरेंट पे डाउनलोड कर सकते हो इस मूवी को, अगर आपको हिंदी में देखनी है तो और भी बहुत सारे टोरेंट साइट्स है, एंड आई थिंक ये टेलीग्राम पे भी आपको मिली जाएगी। इसे अगर आपने नहीं देखा तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, ये आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये मूवी वन ऑफ द मेरी मोस्ट फेवरेट साइफा एक्शन मूवी है। हाँ, इसके बहुत सारे सीक्वल्स आ चुके हैं, बट वो मुझे अच्छे है, वो इंटरटेनिंग है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ इंटरटेनिंग नहीं है,
बट इस मूवी के सामने वो सारे के सारे मुझे बहुत ही ज्यादा एवरेज लगते हैं। मतलब ये मूवी सच में एक बहुत ही अच्छी क्लासिक मूवी है एंड इसके लिए मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 5 stars। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।